हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये यूरेनियम डी है 92-238, इसमें आपने एटॉमिक नंबर बताना है, मास नंबर बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब यूरेनियम ये आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है, तो मीन्स हमारा एटॉमिक नंबर क्या है 92, और मास नंबर ये होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मास नंबर क्या है 238। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, ये भी हमें पता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 92, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 92, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 238 - 92, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये आ जाता है हमारे पास 146। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन करना है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेबल कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर देखो, आपको नाइट्रोजन एटम लिखा है, तो मींस नाइट्रोजन की बात करी है, कैल्शियम आयन लिखा है, ठीक है, तो मतलब कैल्शियम के ऊपर वैलेंसी की 2 पॉजिटिव होती है। मैंने पीरियोडिक टेबल कराया, उसमें देखो, अगर नहीं देखा अभी तक, पीरियोडिक टेबल नहीं लर्न किया तो फिर पीरियोडिक टेबल लर्न करो भाई साहब। ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ऑक्सीजन आयन नहीं है, आयन होता तो 2 नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन अकेले की बात करिए। ब्रोमाइड आयन, जैसे क्लोराइड, क्लोराइड क्लोरीन से बना है, क्लोराइड के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो ब्रोमाइड के ऊपर भी 1 नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाना बी आर नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन में जो न्यूट्रॉन्स दिए हैं और इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ठीक है, तो उसने पूछा है मास नंबर, तो मास नंबर क्या होता है, पहले एटॉमिक नंबर लिख लो, एटॉमिक नंबर भी होगा 7 और प्रोटॉन्स भी होंगे 7, और न्यूट्रॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर या जो भी किसी को भी प्लस कर दो तो 14 हो गया इसका तुम्हारे पास मास नंबर, ठीक है जी। 7 + 7 यहाँ पे लिख लो तुम, 7 + 7, ठीक है। अब कैल्शियम 2 पॉजिटिव, अब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हैं, एटॉमिक नंबर दिया है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर तुम्हें दिया है, तो मास नंबर तो 20 + 20 = 40 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोटॉन्स जितना एटॉमिक नंबर है 20, अब इलेक्ट्रॉन्स 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से माइनस कर देने हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। ऑक्सीजन एटम की बात की है, मास नंबर गिवन है, एटॉमिक नंबर गिवन है, प्रोटॉन्स भी इतने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है, तो न्यूट्रॉन्स कैसे होंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 16 - 8 मीन्स 8 ही न्यूट्रॉन्स है इसके पास। अब नेक्स्ट ब्रोमीन का 35 है एटॉमिक नंबर, ये तुम्हें पता ही है। अब प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 35, इलेक्ट्रॉन्स एक एक्स्ट्रा है तो 36 कर दिए इसने 35 + 1, तो यहाँ पे अब निकालना है मास नंबर, मास नंबर कैसे निकालोगे भी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर, कैसे आएगा 45 + 35 = 80। तो ये है आपके पास एक और क्वेश्चन। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स स्पीशीज में दिए 18, 16 और 16, मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 16, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 16। तो उसने कहा कि सिंबल प्रोवाइड करो, अब मास नंबर निकालना पड़ेगा, मास नंबर क्या होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है, तो मींस कि इलेक्ट्रॉन्स 2 एक्स्ट्रा हैं, तो एटॉमिक नंबर भी इसका क्या होएगा 16 होएगा, ठीक है। तो मास नंबर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आ जाएगा 16 + 16 32, तो 32 होता है मास नंबर इसका आ गया, 16 इसका एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया 16 है क्योंकि प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा तो सल्फर है, 2 नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज है, 16 इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे आ गया, 32 इसका मास नंबर यहाँ पे आ गया, तो ये इसको प्रॉपर सिंबल जो है वो असाइन हो गया। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखो, यहाँ पे सोडियम एटम दिया है, मीन्स सोडियम की बात की है,
एल्यूमिनियम आयन की बात करिए मतलब एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की बात की, क्लोराइड आयन मतलब Cl नेगेटिव की, फॉस्फोरस एटम की, क्यूपरस, अब कॉपर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक होती है 2 पॉजिटिव एक होती है 1 पॉजिटिव, तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव Cu प्लस, तो यहाँ पे देखो 11 है इसका अटोमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सोडियम एटम की बात है 11 है, तो मास नंबर क्या आ गया 12 प्लस 11 23। अब यहाँ पर मास नंबर 27 एल्यूमिनियम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, ठीक है, नंबर ऑफ, अब एल्यूमिनियम आयन की बात करिए बट एल्यूमिनियम का अटोमिक नंबर तो वही रहेगा ना, तो एल्यूमिनियम का अटोमिक नंबर रहेगा 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या रहेंगे 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे 27, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 23, 14, ठीक है जी। क्लोराइड आयन की बात करिए Cl नेगेटिव, वहाँ पे ब्रोमाइड आयन की बात थी, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अटोमिक नंबर बट इसका 17 ही रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 17 ही रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने 18, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस अटोमिक नंबर कर दो 35 इसका क्या आ गया मास नंबर। फॉस्फोरस एटम की बात करिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 15, तो अटोमिक नंबर भी कितना है 15, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 15, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 31 माइनस 15, तो 31 माइनस 15 कर दो कितना आ गया 16। क्यूपरस आयन की बात कर रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 28, मतलब प्लस है 1 प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन लेस है, ठीक है, तो अटोमिक नंबर इज 29, मास नंबर बाद में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए 29, अब मास नंबर क्या हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 35 प्लस 29 जितना आएगा ये है इसका मास नंबर। आई होप आपको समझ लग रही होगी ये। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है आपको, ठीक है, तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन है, तो एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने, ऑक्सीजन अकेला लिखा तो मीन्स ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या आ जाएंगे 8, तो मास नंबर क्या आ जाएगा नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस ये 8 प्लस 8 क्या आ गया 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ पे सोडियम आयन की बात है, मीन्स आयन मीन्स Na पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्रोटॉन्स 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Na पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो 10, तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 23 माइनस 11, तो क्या आ गया ये 12। अब ब्रोमीन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 35 है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी क्या आ गया 35, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आ गए 35, ब्रोमीन की बात है तो मास नंबर क्या आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 80।